कनकोट डीएचक्यू अस्पताल का तामीराती काम शुरू हो गया। इस मेगा प्रोजेक्ट की तकमील से आवाम को इलाज की सहूलियात फराहम हो सकेंगी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे हुजूर बख्शमंगी की इस रिपोर्ट में। कंदकोट डीएचक्यू अस्पताल का तामीराती काम तेजी से शुरू हो गया। सिंध हुकूमत की जानिब से करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट को तकमील पर लाया जा रहा है। 200 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल में अवाम को मुकम्मल इलाज की सहूलियात फराहम हो सकेंगी। ठेकेदार कंपनी के मुताबिक इस मेगा प्रोजेक्ट को हालिया साल तक कम्प्लीट किया जाएगा। सर, ये मेन बिल्ड का काम हो रहा है, आप देख के आए, फुटेज भी लिए आपने। ये हमारी चुनाई ग्राउंड फ्लोर की जो है ना, आप छत स्लेब जो है ना, ये भी कंप्लीट हो चुका है। तकरीबन हमारा 90% जो है ना, ये काम कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह अगले वीक में ऊपर का जो है ना फर्स्ट फ्लोर का काम शुरू करेंगे। ये ग्राउंड प्रेस बन है सर बिल्डिंग हमारी। उसके बाद किचन के फिट एरिया की हमारी लीन हो रही है, वो भी आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि कॉलम सुपर कॉलम खड़े हैं सर। उसके बाद मस्जिद भी है, वो ग्राउंड फ्लोर है सर। उसके ऊपर छत जो है ना, इसी वीक में इंशाल्लाह हम जो है ना स्लेब भी बांध कर जो है ना भर लेंगे। ठेकेदार गुलचंद ने कहा कि प्रोजेक्ट 50 करोड़ की लागत से तैयार होगा, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से ताहाल तक 20 करोड़ अदा किए गए हैं, ताहम काम 35 करोड़ तक किया गया है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि कंपनी की अदायगी को यकीनी बनाकर अवाम को इलाज की सहूलियात फराहम की जाए। कैमरा टीम के साथ हजूर बख्श मंगी, आज न्यूज।